हरियाणा सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह संधु की अध्यक्षता में कर्मचारियों की मांगों को लेकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे मानी नहीं गई, इसीलिए मजदूर संघ ने नगर परिषद के गेट पर प्रदर्शन किया ताकि प्रशासन की नींद खुल जाए। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर परिषद गेट के बाहर पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। आज भी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी। बलजीत सिंह संधु, पूर्व अध्यक्ष सफाई मजदूर संघ हरियाणा, ने बताया कि हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग होने के बावजूद भी हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारे कच्चे कर्मचारियों को पैरोल पर नहीं ले रहा, सफाई कर्मचारियों को वर्दी ना देना, गेहूं के ऋण न देना, एलटीसी ना देना, सरकारी क्वार्टर की रिपेयर ना होना और समय पर वेतन न दिए जाना इत्यादि मांगों को लेकर कर्मचारियों ने गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल फिर वे हड़ताल करेंगे और फिर भी सरकार न मानी तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन करना, अधिकारियों का घेराव करना, बाजारों में जुलूस निकालना, हड़ताल करना आदि शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कभी हड़ताल के दौरान अगर शहर में कोई महामारी फैलती है और उसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हम पिछले दो महीने से इस कार्यकारी अधिकारी को मिलते रहे, समय समय प्रभात होती रही, लेकिन बगैर आश्वासनों से इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और अब मजबूर होकर के, कोरोना काल होने के कारण हम धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें मजबूर किया और आज हमें ये प्रदर्शन करने की हमारी मजबूरी है। मजबूर होकर के आज हमने फिर भी थोड़ी संख्या में अपने साथियों को बुलाया ताकि प्रशासन की नींद खुले और इस कार्यकारी अधिकारी के बारे में उच्च अधिकारियों को भी पता चले कि इन्होंने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया हुआ है और कर्मचारियों में कितना रोष है। हमारी मुख्य मांगे हैं, हरियाणा सरकार ने सभी जो कच्चे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको पेरोल पर लेने के लिए लिखा था कि इनको पेरोल पे लिया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि पूरे हरियाणा में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम हैं, सबने सभी सफाई कर्मचारियों को पेरोल पे ले लिया है, लेकिन यहाँ पर माननीय मंत्री जी निकाय मंत्री होते हुए भी उनके हलके में हमें पेरोल पे नहीं लिया गया और उनसे हरेक कर्मचारी को 1150 रुपये महीने का नुकसान है। दूसरा, सफाई कर्मचारी हैं जो उनको वर्दी नहीं दी गई। तीसरी जो बात है, हरियाणा सरकार ने फोर क्लास के कर्मचारियों के लिए गेहूं खरीदने के लिए 20,000 रुपये बगैर ब्याज के ऋण दिया था, जो इस कार्यकारी अधिकारी ने हमें अभी 30 जून हो गई अभी तक नहीं दिया। तीसरा, LTC 4 साल में एक बार 1 महीने की तनख्वाह हमें मिलती है, वो हमने पिछले 4 महीने से अप्लाई किया हुआ है, आज तक इस कार्यकारी अधिकारी ने वो भी नहीं दी। और ACP एक जो कर्मचारी जिसकी प्रमोशन नहीं होती। वहीं नगर निगम परिषद के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि उनके अकाउंट बनकर तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अधिकारी छुट्टी पर थे, आज वो आए हैं, अब जल्द ही इस विषय का हल किया जाएगा। ऐसे थी, इन्होंने जो वीट लोन्स के बारे में है वो बिल तो बन चुके, रेडी हो जाए तो, लेकिन वो कुछ सीईओ साहब 3-4 दिन से छुट्टी पे थे, मतलब ऑफ थे, तो इनको यही था कि जैसे ही वो आ जाते हैं तो चेक पर साइन करा के उसको पे कर दिया जाएगा। तो आज वो जैसे ही वो सब आए हैं, अभी मीटिंग में हैं, और जैसे ही आते हैं तो इनको जो उसका पे कर दिया जाएगा। नहीं, मेन तो इनका मुद्दा इस टाइम जो है वीट लोन एडवांस का है और ये सैलरी का इनका टाइम से करवा ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फिर भी कोई इन पर कोई और जो भी हैं जायज़ मान गए हैं उस पर जो इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।